डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एविडेंसेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास के प्रमाण, और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेज यानी आकारिकी और शरीर विज्ञान से प्रमाण। इसमें सबसे पहले है होमोलॉजी एंड एनालॉजी, समजातता व समवर्तिता। तो पहला है होमोलॉजी, ऐसी समानता जिसमें उत्पत्ति तो समान हो और समान मूल संरचना के आधार पर होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं, तो इसको होमोलॉजी कहते हैं। होमोलॉजी शब्द रिचर्ड ओवेन ने दिया, और इसमें कार्य और बाहर से देखने की समानता होना आवश्यक नहीं है। ऐसे अंग जो समान उत्पत्ति या समान भ्रूणीय परिवर्धन तथा मूल संरचना में तो समान हो लेकिन भिन्न कार्य के लिए अनुकूलित हो, इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है लेकिन उनका कार्य भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों के अग्रपाद। यहाँ पर हॉर्स, बैट, वेल, सील एंड मैन, इनके अग्रपादों के बारे में बताया गया है। जैसे एपियरेंस यानी दिखाई देने में, घोड़े के पैर को फुट कहते हैं, चमगादड़ के पैर को विंग कहते हैं, व्हेल के पैर को पैडल कहते हैं, सील में फ्लीपर कहते हैं और मनुष्य में हाथ कहते हैं। तो फोर लिम्ब, इनके जो फोर लिम्ब है, अग्रपाद हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, इनके फंक्शंस जो है, कार्य जो है, जैसे हॉर्स में फुट रनिंग का काम करता है, दौड़ने का काम करता है, बैट में विंग्स फ्लाइंग यानी उड़ने का काम करते हैं, व्हेल में पैडल्स स्विमिंग का काम करते हैं, सील में फ्लिपर स्विमिंग का काम करते हैं, और मैन में हैंड होल्डिंग यानी वस्तुओं को पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन इन सभी के फोर लिम्ब्स में यानी कि इनके अग्रपादों की मूल आंतरिक संरचना में सभी अस्थियां समान होती हैं। जैसे हमारे अग्रपाद में यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेज होती हैं, वैसे ही इन सभी यानी कि हॉर्स, बैट, व्हेल और सील, इनके भी फोर लिम्ब में यही बोन्स पाई जाती हैं लेकिन इनका कार्य जो है वो अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पर नीचे डायग्राम में इनकी मूल संरचना बताई गई है, तो सभी में यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स ये सभी में उपस्थित है। सेकंड है इसका एग्जांपल, लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकियों के पैर, जैसे कॉकरोच और हनी भी है, कॉकरोच और मधुमक्खी है। तो कॉकरोच के पैर जो है वो वॉकिंग का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं, और हनी बी के पैर जो हैं वो कलेक्टिंग ऑफ पोलन्स यानी कि पराग कणों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। लेकिन दोनों में जॉइंटेड अपेंडिजेज पाए जाते हैं क्योंकि दोनों आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, इनमें खंडित टांगे पाई जाती हैं और सभी खंड समान होते हैं, जैसे कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड 1-5 जॉइंटेड टारसस। तो इनमें सभी भाग समान होते हैं लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार से माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों के मुखांग, इसमें कॉकरोच, हनी बी एंड मॉस्क्यूटो है। तो इनके मुखांग जो है, कॉकरोच के मुखांग बाइटिंग एंड च्यूविंग प्रकार के होते हैं, हनी बी के मुखांग च्यूविंग एंड लैपिंग प्रकार के होते हैं, और मॉस्क्यूटो के मुखांग जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। तो कॉकरोच के मुखांग जो हैं काटने और चबाने टाइप के होते हैं, मधुमक्खी के चबाने और लैपिंग यानी चाटने के प्रकार के होते हैं, और मॉस्क्यूटो में भेदन और चूसने के प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। इन प्रत्येक कीट के मुखांग में समान अंगक होते हैं, जैसे लेब्रम, मैंडिबल्स एंड मैगजिली। तो यह इन तीनों के मुखांग में या सभी कीटों के मुखांग में ये अंगक पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, लेकिन उनके माउथ पार्ट्स के कार्य अलग अलग हैं, जैसा कि अभी हमने
तीन कीटों के माउथ पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस देखे थे। होमोलोगी को विभिन्न कशेरुकियों के स्केलेटन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम आदि में देखा जा सकता है। प्लांट्स में देखें तो बोगेनविलिया का कांटा और कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स, ये भी होमोलोगी के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से पैसर डोमेस्टिकस यानी जो गौरैया है उसका पंख या फेदर, और फिश का अंश पंख यानी इसका पेक्टोरल फिन, तो ये दोनों समजात अंग है। इसी प्रकार से स्तनधारियों के पश्चपाद, इनमें भी फीमर, टीबियो फिबुला बोन्स पाई जाती हैं। समझात अणुओं में भी देखी जा सकती हैं और इसको मॉलिक्यूलर होमोलोगी कहते हैं। जैसे मानव और एप्स में पाए जाने वाले प्रोटीन्स समान होते हैं। आलू और अदरक, ये दोनों स्टेम पार्ट है प्लांट का। गाजर और मूली, ये दोनों रूट है। नर मनुष्य के वृषण और मादा के अंडाशय समान भ्रूणीय उत्तक से परिवर्तित होते हैं। तो टेस्टिस और ओवरी, इनका डेवलपमेंट जो है वो एक समान एम्ब्रियोनिक टिश्यूज के द्वारा होता है। मछली के अंश पंख यानी कि उसके पेक्टोरल फिन्स और सील के फ्लिपर्स, ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स है। इसी प्रकार से पेंगुइन जो कि बर्ड है और डॉल्फिन जो कि मैमल है, इनके फ्लिपर्स, ये भी होमोलोगी और का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या इसको कहेंगे एडेप्टिव डाइवर्जेंस या एडेप्टिव रेडिएशन। विभिन्न जंतुओं में पाई जाने वाली समजातता यह प्रदर्शित करती है कि इन सब की उत्पत्ति किसी समान पूर्वज से हुई है। किसी एक पूर्वज से उत्पन्न होने के बाद जातियां अपने अपने आवासों के अपने अपने हैबिटेट्स के अनुसार एडेप्टेड हो जाती हैं, जिसे ही एडेप्टिव रेडिएशन या इसको अपसरित विकास कहते हैं। और इन जातियों में समजात अंग पाए जाते हैं। तो यह था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि एक जाति से कई सारी जातियों का निर्माण होना। इन जातियों में होमोलोगस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल्स की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। तो मार्सुपियल रेडिएशंस ऑस्ट्रेलिया में, और इसके द्वारा कंगारू, मार्सुपियल रेट, बैंडेड एंटीटर, तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन वॉल्फ, फ्लाइंग फैलेंजर्स, मार्सुपियल मोल, कोआला, स्पॉटेड कसकस, तो इनकी सभी की उत्पत्ति जो है सारे के सारे मार्सुपियल्स है, और इनकी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज के द्वारा हुई है। तो इस प्रकार के विकास को, इस प्रकार के इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि किसी एक ही जीव के द्वारा अलग अलग आवासों में रहने के कारण उससे भिन्न भिन्न जातियों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उनके अंग जो है उनमें होमोलोगी पाई जाती है या समजातता पाई जाती है। सेकंड है एनालोगी, या समवर्तिता या समरूपता। यह होमोलोगी के जस्ट अपोजिट है। यह समानता समान कार्य के आधार पर होती है, लेकिन इनका ओरिजिन और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी समानता होना आवश्यक नहीं है। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में तथा मूल संरचना में भिन्न होते हैं, तो इनकी ओरिजिन और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन इनका फंक्शंस जो हैं वो समान होता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं या समवर्ती अंग कहते हैं। तो एग्जांपल्स हैं कुछ इसके, जैसे बैट और बर्ड के फेदर्स कीटों के पंख के समरूप हैं। यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, बैट और बर्ड का जो पंख है और कीटों के पंख है, तो इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति जो है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि बैट और बर्ड के जो अग्रपाद हैं इनमें बेसिक स्ट्रक्चर समान है, लेकिन बर्ड के जो पंख है वो फेदर्स है, जबकि चमगादड़ का पंख जो है वो पटेजियम कहलाता है, यानी कि इसके शरीर की त्वचा का प्रसार है, जबकि कीटों के पंख जो है
वो बिल्कुल ही अलग प्रकार के होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बोन्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उनमें वेन्यूल्स और वेंस दिखाई देती हैं, तो वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। लेकिन इन तीनों के पंख जो हैं उनका कार्य एक ही है, फंक्शन समान है, सिमिलर फंक्शन है, यानी कि तीनों के तीनों फ्लाइंग या उड़ने का कार्य करते हैं। मछली के पेल्विक फिन्स और सील के फ्लिपर दोनों तैरने का काम करते हैं, लेकिन इनकी दोनों की जो संरचना है, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है। इसी प्रकार से अनीबी एंड स्कॉर्पियन, इन दोनों का डंक, तो इन दोनों के डंक जो है उनमें जहर होता है जो कि उनकी प्रोटेक्शन के काम आता है, लेकिन इनके दोनों का यह अलग अलग है। रस्कस का पर्णाभिस्तंभ यानी फिलोक्लेड और सामान्य पर्ण, तो रस्कस नामक प्लांट का जो पर्णाभिस्तंभ है और उसकी सामान्य पर्ण है, वो दोनों के दोनों कार्य समान है। दोनों फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना भिन्न होती है। फेरेटिमा की क्लोरोगोगन सेल एंड कशेरुकियों का यकृत, तो फेरेटिमा की क्लोरोगोगन सेल एक्सक्रीशन का काम करती है, और इनमें वर्टिब्रेट्स का जो लीवर है वो भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से मतलब अलग करने का काम करता है। मानव के हाथ और हाथी की सूंड, दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य समान है। इसी प्रकार से आलू और शकरकंद यानी पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दोनों ही जो है खाने के काम आते हैं, दोनों ही स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं, दोनों में स्टार्च पाया जाता है, लेकिन एक तो स्टेम है और दूसरा रूट है। ऑक्टोपस एंड मैमल्स की आईज है, तो दोनों ही आईज, लेकिन दोनों में रेटिना की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, दोनों का कार्य समान है, देखने का कार्य है। इसी प्रकार से डॉग फिश यानी स्कॉलियोडॉन और व्हेल, ये दोनों है तो फिशेज, लेकिन एक कार्टिलेजिनस फिश है और दूसरी मैमल है। तो इस प्रकार से इनमें कार्य तो समान है, दोनों पानी में रहती है, दोनों तैरती है, लेकिन इनकी मूल संरचना जो है और उत्पत्ति अलग अलग है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो यह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के जस्ट अपोजिट है। जीवों के भिन्न समूह में समान अनुकूली क्रियात्मक संरचनाओं का विकास अभिसारित या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स अन्य महाद्वीपों में समान आवासों में रहने वाले प्लेसेंटल मैमल्स से समानता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉल जो है दूसरे महाद्वीपों पर रहने वाले मॉल्स मार्सुपियल मॉल्स से समानता दिखाते हैं। इसी प्रकार से आंट ईटर जो है वो नंबेड या आंट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आंट ईटर से समानता दिखाते हैं। माउस मार्सुपियल माउस से, लेमूर स्पॉटेड कसकस से, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर से, बॉब कैट तस्मानियन टाइगर कैट से, और वॉल्फ तस्मानियन वॉल्फ से समानता दिखाता है। जब अनुकूलित अभिसारिता निकट संबंधी जातियों के बीच में पाई जाती है तो इसे पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो अलग अलग द्वीपों पर हैं, लेकिन इनके बीच में समानता पाई जाती है। समवृत्ती अंग समपूर्वस्था को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन विकास को प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार से ये एनालोगस ऑर्गन्स जो है वो समपूर्वस्था को यानी होमोलोगस को तो प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ये विकास को यानी कि इवोल्यूशन हुआ है, सरलतम जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है, इसको यह प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो इसमें आपके एक प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं, दो अवशेषी अंगों के नाम बताइए, राइट एनी टू नेम्स ऑफ या टू वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे अंग जो आसित अवस्था में होते हैं तथा शरीर में कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन संबंधित पूर्वज जंतुओं में पूर्ण विकसित और क्रियात्मक होते हैं, तो उनमें फंक्शनल थे, हाईली डेवलप्ड थे, लेकिन आगे आते हुए जीवों में यह जो है अब वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है। ये वास्तव में पूर्वजों के क्रियात्मक अंगों के अवशेष हैं, तो उनके फंक्शनल ऑर्गन्स थे, उनके अब
ये अवशेष बचे हुए हैं। मानव में अवशेष यंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे निमेशक पटल यानी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या जिसको थर्ड आई लिड कहते हैं। इसी प्रकार से कोकिक्स, तो यह इसको क्या कहेंगे, एक इसका है थर्ड है इसका कैनाइन टीथ, अगला है थर्ड मोलर या जिसको विजडम टीथ कहते हैं, उधर की खंडीय पेशियां जिनको अपन कहते हैं सिक्स पैक एब्स, तो वो जो है वेस्टिजियल है। इसी प्रकार से बॉडी पर पाए जाने वाले हेयर, कर्ण पल्लव यानी पिन्ना और ऑरिकुलर मसल्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम एंड मेल में निपल्स, तो ये सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, हेयर ऑन बॉडी, निपल्स इन मेल, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन और प्लीका सेमीलुनरिस, ऑरिकुलर और ईयर मसल्स, वर्मी ये वेस्टिजियल हैंड लिंब ऑफ और इस पर इन उसमें अजगर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वर्मीफॉरम अपेंडिक्स है, एब्डोमिनल मसल्स है और इसमें विजडम टूथ है, थर्ड मोलर। इसी प्रकार से सिल्वर फिश में जो है टाइनी विंग्स पाए जाते हैं जो किसी काम के नहीं है उसमें, सिल्क मॉथ का है इसमें। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेच या शुतुरमुर्ग जो कि फ्लाइटलेस है उसमें वेस्टिजियल विंग्स पाए जाते हैं, और उसमें कल हमने पढ़ा था स्प्लिंट बोन्स पाई जाती है जिसका चलने में कोई योगदान नहीं है। इसी प्रकार से 11th और 12th पेयर्स जो ये रिब्स पाई जाती है जो कि आदि होती है जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तो ये रिब्स जो है तैरने में किसी काम नहीं आती है। इसी प्रकार से वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल एंड हैंड लिंब वेल में जो पाया जाता है वो किसी काम का नहीं है। अन्य जंतुओं में अवशेष यंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था पाइथन के पश्चपाद और इसकी पेल्विक गर्डल है, बिना उड़ने वाले या फ्लाइटलेस जो बर्ड्स है उनके पंख जैसे ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, डोडो और रिया में, गहरे समुद्री मछलियों के आईज क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है तो देखने का कार्य ही नहीं रहता है, फिर भी उनमें बड़े आकार की आंखें पाई जाती है, घोड़े के पैरों की स्प्लिंट बोन्स यानी सेकंड और फोर्थ इसकी डिजिट, वेल के बाह्य कर्ण, वेल में हैंड लिंब एंड पेल्विक गर्डल, अवशेषी सरीसृपीय जबड़ा, फिर है वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन प्लांट्स, रसकस और अनेकों जो भूमिगत तने हैं उनकी स्केली लीव्स, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स लामार्कवाद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स, यह इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एक नंबर का प्रश्न पूछते हैं कभी, कनेक्टिंग लिंक्स या संयोजक कड़ियाँ किसे कहते हैं। कुछ जंतु तथा पौधे दो भिन्न समूहों के लक्षण रखते हैं, इनमें से एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा डेवलप्ड ग्रुप होता है, ये जातियाँ दो वर्गीकी समूहों के बीच ब्रिज का कार्य करती हैं या कनेक्टिंग लिंक का कार्य करती हैं, इन जीवों को कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। यह कार्बनिक विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और समपूर्वस्था यानी होमोलोगस का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। जैसे वायरस है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यूग्लिना बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, प्रोटेरोस्पंजिया बिटवीन प्रोटोजुआ एंड पॉरीफेरा, नियोपाइलिना बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा, पेरीपेटस बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्कियोपटेरिक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बेलेनोग्लॉसस बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स, काइमेरा
बिटवीन कार्टिलेजिनस फेस एंड बोनी फेस, लंग फेस या प्रोटोप्टेरस बिटवीन फिसेज एंड एम्फीबियस एम्फीबिया, प्लेटिपस एंड एकिडना बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये इन जो दिए गए थे ये सारे के सारे कनेक्टिंग लिंक्स हैं। नीचे इनके कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे फर्स्ट है वायरस, फिर यूग्लिना, यूग्लिना में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन एनिमल्स के समान इसमें तैरने के लिए फ्लैजिला भी उपस्थित होता है। प्रोटेरोस्पंजिया, इसी प्रकार से नियोपाइलिना, आर्कियोपटेरिक्स, पेरीपेटस और एकिडना, इनके डायग्राम दिए गए हैं। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम एटेविज्म, या इसको रिवर्सन कहते हैं, पूर्वस्था या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, पूर्वस्था से आप क्या समझते हैं या व्हाट इज एटेविज्म। जीव जातियों में कभी कभी अचानक ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो उनकी स्वयं की जाति में नहीं पाए जाते, किंतु बहुत समय पूर्व पुराने पूर्वजों में वे लक्षण पाए जाते थे। इसे एटेविज्म या रिवर्सन कहते हैं, प्रत्यावर्तन या पूर्वस्था कहते हैं। इन उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो इन संरचनाओं को रखते हैं उनका विकास उन पूर्वजों से हुआ है जिनमें संरचनाएं पूर्ण विकसित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति। कभी कभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे के शरीर में पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, या बच्चे के शरीर पर पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल फिस्टूला, कुछ मानव शिशुओं में गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है जिसको सर्वाइकल फिस्टूला कहते हैं। यह जलीय कशेरुकियों से विकास का होना प्रदर्शित करती है जिनमें ग्रसनी क्लोम या फेरिंजियल क्लोम या फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। लंबे और नुकीले कैनाइन दांतों की उपस्थिति मांसाहारी पूर्वस्था दर्शाती है। तो कई बार जो कैनाइन टीथ है वो लंबे और नुकीले पाए जाते हैं मानव में। लंबे और शरीर पर घने बाल हमारा आदि कपियों से यानी एप से संबंध दिखाता है। दो से अधिक निपल्स की उपस्थिति, तो ये सारे के सारे जो हैं डायग्राम में भी दिखाए गए हैं। तो ये सारे के सारे मानव की पूर्वस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है लास्ट, इसका अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन से प्रमाण। विभिन्न जीव शरीर क्रिया और जैव रसायन में समानता प्रदर्शित करते हैं। कुछ स्पष्ट उदाहरण निम्न है। फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की संरचना और संगठन सभी जंतुओं में, प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल्स तक, सभी में लगभग समान होती है। इसी प्रकार से एंजाइम्स है, तो सभी जीवों में एंजाइम समान कार्य करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन अमीबा से लेकर के मनुष्य तक प्रोटीन पाचन का और एमाइलेज पॉरीफेरा से लेकर के मैमल्स तक स्टार्च पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट है ब्लड, रुधिर की संरचना सभी कॉर्डेट्स में लगभग एक समान होती है। एटीपी, सभी जीवों में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर रहती है। हार्मोन्स, सभी वर्टिब्रेट्स में समान प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम होते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ, सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जिसकी मूल संरचना सभी जीवों में समान होती है। इसी प्रकार से साइटोक्रोम सी जो श्वसन वर्णक है और सभी जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, इस प्रोटीन में 78-88 एमिनो एसिड्स एक समान होते हैं जो कि समपूर्वस्था को या होमोलॉगी को दर्शाते हैं। इस प्रकार शरीर क्रिया विज्ञान और जैव रसायन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सभी जीवों का विकास एक ही मूल पूर्वज से हुआ है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में या एविडेंसेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में दो चैप्टर्स रह जाते हैं, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल और दूसरा है बायोजू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जो कि हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। थैंक यू।